Hey guys, welcome back to another gameplay video of Granny Remake. तो यार जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं ग्रैनी की कार लेकर भाग गया था, जिससे कि ग्रैनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो आज मैं फिर से ग्रैनी को परेशान करने आया हूँ और मैं करने वाला हूँ ग्रैनी के मेन गेट से एस्केप। तो क्या ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊंगा, देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है यार। तो यार आपके वीडियो लाइक करने से मुझे मिलती है इंस्पिरेशन, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, तो सब्सक्राइब भी कर लो बड़ी। अब ग्रैनी की तोड़ते हैं हड्डी। तो यार गेम की स्टार्टिंग में फिर से हम उसी जंगल में पहुंच गए हैं और सामने ग्रैनी का घर है। इस बार मैं थोड़ा साइड में भी देख लेता हूँ कहाँ छुपी रहती है यार ये। रात के अंधेरे में अभी भी नौजवान लड़कों का शिकार करने की पूरी चूल है इसमें। अच्छा ये खंबा था यार, बिजली का खंबा लगा हुआ है भाई ये। और मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या लोहा सा गाड़ रखा है यहाँ पे। खैर दोबारा से जूम करने का ऑप्शन आया है, ग्रैनी सामने तो दिख नहीं रही है, फिर से हमला करने वाली होगी शायद, कहीं ना कहीं लेफ्ट या राइट से हमला करेगी। ओ भाई आ गई आ गई। ये लो भाई, तो अपनी आँख खुल चुकी है अब ग्रैनी के घर में और मैं फिर से कैद हो चुका हूँ। तो चलो यार आज करते हैं एस्केप, भागम भाग, स्पीड रन करते हैं। ओहो ओ ओ भाई कैसे, मैं पिछली बार का इतना बुरा मान के बैठी है क्या? बताओ यार अभी तो गेम शुरू ही हुआ था, एकदम ही धपका कर दिया इसने तो। भाई ग्रैनी रुक जा, संभल जा, थोड़ा टाइम तो दे यार बंदे को। अभी तो बताओ थोड़ा बहुत ही खोल के देखी थी, एक दो दराज वराज सी है, इतने में चिड़ लग गई इसको। बताओ धड़कने बढ़ा दी हमारी तो। चलो भाई तो भाग के चलता हूँ यार, इसके हाथ नहीं आऊंगा, स्टार्टिंग से ही भागम भाग रखूंगा एकदम स्पीड रन। ये लो भाई सबसे पहले मैं बाहर आ गया खुली हवा लेने थोड़ी सी। अब चलता हूँ ये सामने वाले कमरे में। वाह वाह भागते भागते, ये लो भाई ये ले लिया मैं सबसे पहले पैडलॉक की। तो भाई पैडलॉक की को चलकर लगा देते हैं। और यार ग्रैनी पता नहीं क्या इतना गुस्से में है मुझसे कि जैसे ही मैंने गेम स्टार्ट करा यार एकदम आते ही है या 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 या। बताओ यार। तो भाई पैडलॉक तो अनलॉक कर लिया है मैंने, ताला हटा दिया भाई। अब आगे का कुछ सामान ढूंढते हैं, फटाफट से चलते हैं यार। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ ढंग से। हाँ यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो थोड़ा सेफ लग रहा है अभी तो। और ये क्या रखा है, डंडा सा? डंडा नहीं है भाई, पता नहीं कौन कौन से तो औजार रख रखे हैं इसने। कारपेंटर प्लम्बर सारे काम जानती है वैसे तो ये, पर पीना ऐसे सूप ही है, वो भी इंसानों का। नॉन वेज का तो इसे इतना शौक है कि एक बार सूप चखते चखते अपनी उंगली चट कर गई थी ये। ग्रैंडपा भी ऐसे गायब नहीं हुआ इस घर से। आ जा ग्रैनी, लप्पू सी ग्रैनी आ जा। चलो भाई सुरंग सी में चल के देखते हैं यार अंदर नीचे रूम में क्या रखा हुआ है। ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते बनाए हुए हैं पर मुझे भी सारे रास्ते मालूम है भाई। एक टायर है और एक एंटीना। चलो भाई ये तो काम की चीज़ मिल गई, एंटीना मिल गया है। ये एंटीना लगेगा टीवी पे। और कैसे हवा सी निकली एकदम ही। तो हाँ भाई ये टीवी पर एंटीना लगाकर वहाँ से मिलेगा एक कोड, जिस कोड से खुलेगा एक लॉक। तो मैं इसे फटाफट से लगा देता हूँ। ये लगा दिया भाई, नंबर है 7378 7378 7378। भाई जैसे पहाड़े याद करते थे ना टेबल, ऐसे याद कर रहा हूँ नंबर। लगा दूँ क्या? नहीं भाई ग्रैनी आ सकती है पीछे से। अभी निकलो, इतना शोर मचा के नहीं लगाना, अभी पक्का आ रही होगी पीछे पीछे। आ रही है क्या ग्रैनी, आ रही हो क्या? हाँ बंदी भूलती नहीं है अपना काम, ये सूप की बहुत प्यासी है ये। भाई भूख की लेवल भी अलग ही है इसकी। इस बात का अंदाज़ा तुम ऐसे लगा लो कि एक बार भूख में ग्राइंडर चबा गई थी इसका, ये एक तरफ से मुँह ऐसे ही नहीं कटा हुआ। मेरा बस चले तो गौमूत्र पिला दो। तो भाई बेसमेंट से होकर चलते हैं यार फटाफट से, अनलॉक कर लेते हैं इसको नंबर लॉक को 7378। भाई फटाफट से मैंने तो डाल दिया नंबर और उसे भी अनलॉक कर दिया। अब आगे का कुछ ढूंढते हैं। ग्रैनी कहाँ हो तुम? वैसे लक्षणों के हिसाब से देखें तो ज़ोंबी और डायनो के बीच की प्रजाति है ये। तो भाई ग्रैनी आती रहेगी जब आएगी। अपन चल के आगे ढूंढ लेते हैं यार, ये ड्रॉर्स वगैरह खोल के देख लेते हैं कुछ मिल जाए तो। लग रहा कुछ तो है यार, ये क्या है? अच्छा स्क्रू ड्राइवर मिल गया भाई। तो भाई स्क्रू ड्राइवर मिल गया है तो फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर स्क्रूज लगे होंगे और उन्हें अनलॉक करके उसके पीछे देखते हैं क्या निकलता है। ग्रैनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामान छुपा कर रखती है, फ्री टाइम में अपने अंदर ही झाड़ू फंसा के मोरनी बनी घूमती है ये। कहाँ गई? ओ तो आ गई। ओ भैया यार कैसे है? बताओ कितनी गंदी गंदी आवाज़ निकाल रही है, पता नहीं मुँह से आवाज़ निकाल रही है ना, कहाँ से पर 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 कर रही है। ऐसी आवाज़ें तो कहीं और से निकलती हैं यार, पिछवाड़े में खुजा के उंगली सूंघ के नशा करती है ये। ऐसे गंदे गंदे शौक हैं इसके, पर चलो हम मान लेते हैं मुँह से ही निकाल रही होगी, थोड़ी सी इज्जत रख लेते हैं इसकी। भाई जंप कर दी मैंने, नहीं तो टन टन बच जाती है। सबसे पहले फटाफट से स्क्रू अनलॉक कर लेता हूँ और इस बॉक्स के अंदर से निकलेगा कुछ माल पानी, देखते हैं क्या निकलता है। लिया बेटे चौथा भी शाबाश, के क्या मिल गया? कटिंग प्लायर्स। भाई वाह काम की चीज़ मिल गई। अब आ गई भाई, देख रहे हो कतई एग्रेसिव हो रही है आज, ये भी कतई बॉनविटा पीक आई है ये। तार काट दूँ क्या? वो आ गई, बाद में भाई बाद में, इस काम को बाद में करेंगे। देख लो भाई फुल ग्लूकोन डी पे चल रही है आज तो ये भी। आ जा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। इसका निर्माण प्रयोगशाला में करा गया है, युगांडा के वैज्ञानिक आए थे भाई इसका निर्माण करने के लिए। नाखून के मैल में सोडियम मिला के इसकी उत्पत्ति हुई है। बेटा हमें भी भागना आता है, स्पीड रन ऐसे ही नहीं करते हम। भाई प्लायर्स में जंग बेशक लग रहे हैं पर काम की चीज़ है ये। अब इससे सबसे पहले तो यार नहीं धागा ही काटूँगा, टन टन ने इसने खोपड़ी ख़राब कर दी। लो भाई ये घंटी का चक्कर तो ख़त्म, अब ये तार काट देता हूँ।
तो भाई इसकी दो जगह से तार कटेगी, एक जगह से तो मैंने काट दिए और एक नीचे होना चाहिए, वहाँ से इसकी वायर कट करेंगे तो ये वाला लॉक भी अनलॉक हो जाएगा। किचन में तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा, तो नीचे चलने की तैयारी करते हैं। ये खोल लेता हूँ यार, थोड़ा सा ड्रॉर खोल के चेक कर लेते हैं कुछ है तो। इसमें तो कुछ नहीं है, इन वाले ड्रॉर्स में चेक करता हूँ मैं, कहीं कुछ है भी यार? फालतू में खाली खाली क्यों रख रखी है ये? क्या लकड़ियों का कारोबार है क्या इसका? आ जा ग्रैनी, फेंक दिया मैंने। थोड़ा शोर मचाना भी ज़रूरी है भाई, ग्रैनी को पीछे पीछे घुमाते रहो। तो भाई मैं इस टनल में सो के चलता हूँ फटाफट से, और नीचे यहाँ पर वायर आ रही होगी उस लॉक की, उसको काट देता हूँ। इस दीवार के पीछे लगा होगा वो बक्सा सा यार, फ्यूज़ बॉक्स है यहाँ पर ना एक। भाई कहाँ गया वो? तेरी गायब कर दिया? तो भाई यहाँ नहीं है तो कहीं और होना चाहिए, एक बार जाके गैराज में देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर लगा रखा है भाई। तो लो फ्यूज़ बॉक्स पे उड़ा दिया भाई, तार कट कर दी मैंने उसकी भी। ये भी कट कर दूँ क्या? ये कट नहीं करूँगा भाई, ये तो बुलाने का जरिया है ग्रैनी को, इससे तो ग्रैनी आती है। ग्रैनी का रिमोट कंट्रोल है, देखो अभी बजाऊँगा। टड़ंग, ग्रैनी आ जा। टॉमी टॉमी हीरू आ गई आ गई आ गई। चमेली, ओहो कहते होवर क्राफ्ट पाती है ये एकदम, होवर करती हुई, पैर तो आगे पीछे करती ना बंदी बिल्कुल भी, उड़ती उड़ती आती है। स्कर्ट के नीचे पता नहीं कौन सा पंखा रख रखा है इसने, वैसे यार स्कर्ट तो नहीं है कुछ। वह भैया दो दो, एक भी नहीं दो दो भाई, डबल गुस्सा है इस बार मुझसे ही। फटाफट खोल यार, आ ही जाएगी नहीं तो। भाई देखो यार, मैं तो सोच रहा था ऊपर चलेंगे, पर वहाँ दो दो जो है इसने ट्रैप लगा रखे थे। बताओ यूँ तो इसने बीटेक करी हुई है, पर इस्तेमाल देख लो इसकी इंजीनियरिंग का, लोगों को फंसाने का काम कर रही है। इतना गुस्सा, अबे मैंने तेरा नाम तो कोई इतना गंदा नाम रख दिया क्या? क्या बोलूँ तुझे, हीरा मोती क्या बोलूँ फिर? ग्रैनू बोलते हैं इसको, ग्रैनू ग्रैनू। आ गई आ गई, ग्रैनू आ गई। ओ भाई गेम क्यों हैंग करने लगा ये? भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है इस बार तो ये। भाई दीवारें अड़ गई, गेट कहाँ गए? देखो भाई गेम हैंग होने से दिक्कत तो होती है। फटाफट से चलता हूँ यार, सीढ़ी पे चढ़ो फटाफट, अब इसे जम कर ये ले। भाई ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। यहाँ पे भी ड्रॉर्स चेक कर लेता हूँ एक बार, खुल भाई जल्दी जल्दी। हाँ खाली निकलना सब, ठीक है बहुत बढ़िया। ग्रैनी के पालतू कुत्तों, भाई खैर ड्रॉर्स में जान तो नहीं होती, पर यार ये खाली की होती है यार। ये कबर्ड खोल के देखते हैं, इसमें है क्या कुछ? नहीं बस शिट, अरे भैया गेट ही नज़र नहीं आया यहाँ। हो डे टू भाई। तो भाई ग्रैनी भी एक बार तो पेल के मानी, ऐसे ही नहीं मानती भाई ये। इसने मुझे पेल का अच्छा नहीं करा, लेकिन अब इसने मेरा दर्द जगा दिया, दिल का दर्द नहीं है भाई लेकिन ये। तो ये हटा देता हूँ यार मैं फटाफट, सारे रास्ते मालूम है ग्रैनी, कहीं पे भी गेट बंद कर लिया तू। लो भाई मैं तो झुक के निकल गया, अब इसे झुकाना है, झुक के लगाऊंगा। अरे यार कहाँ, मत मैं कह रहा था रिमोट कहाँ है मेरा, मिल गया रिमोट, रिमोट मिल गया। अब इससे ना भाई वो जीने के नीचे वाला जो गेट है वो अनलॉक करेंगे। चलो भाई वहाँ चलते हैं, ग्रैनी कहाँ है? यहाँ से करके देखूँ यार, ऊपर से ही देखूँ जरा। भाई रेंज कम है इसकी तो। आ गई आ गई, ओ तेरी बहन, ओए सामने से आ गई। मुझे तो एक बार को लगा पीछे से आ रही है, तो सामने से आ गई। बै 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 बै, और भाई नीचे अब क्या करूँ, जंप उतरी, बच गया बच गया बच गया यार। ग्रैनी ने तो पूरा डबल डबल ट्रैप लगा के बिल्कुल सीढ़ी पे पूरा मुझे मारने का एकदम पक्का इंतजाम कर रखा है। मेरे सूप की प्यासी, आ जा मेरी क्रीम पी ले आ जा। ओहो चलो भाई फटाफट चल के अनलॉक कर लेता हूँ। ये लो भाई अनलॉक कर दिया, और इसी रूम से निकल के आ गया। ग्रैनी ने पकड़ो भाई रिमोट, रिमोट फेंको अब इसका काम खत्म। आ जा बेटा बैल बजा दे रिमोट, रिमोट से मेरा मतलब है ये बैल भी जो है ग्रैनी का रिमोट जैसा ही काम करता है। आओ ग्रैनी कम विद मी, भाई COME वाला कम है ये भाई। एक लाइट नहीं है यार पूरे घर में, एक लाइट नहीं है ढंग से, सुरंगें बना रखी हैं, इसको सेफ की चाहिए। चलो यार सेफ की भी देखेंगे मिलेगी तो, पर फिलहाल तो ये दिल सा बना रखा है इसने ट्रैप का, इसका क्या करूं बताओ, पूरे रास्ता ब्लॉक कर रखा है यार। यहाँ जाना नहीं चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, दूर से ही देख लेता हूँ। बहुत गंदगी फैला के रखती है यार ये, पत्थरों पर पुदीन हरा रगड़ कर खाती है ये, ठीक है भाई यहीं खड़ी थी ये तो। चुपचाप ऊपर चलते हैं, चलो भाई फटाफट। भाई यार बजाते हैं ना, शोर मच गया ना, छुपना पड़ेगा। चली गई होगी यार अब तक तो, भाई बाहर ही टहल रही है ये तो। भाई चली गई है ग्रैनी तो, अब इन ड्रॉर्स को चेक कर लेते हैं। सिक्का पड़ा भाई, सिक्का नहीं चाहिए अभी, अभी मुझे सिक्का नहीं चाहिए भाई, अभी मुझे हैमर चाहिए। हैमर से गेट के वो फट्टे हटेंगे यार, कुछ काम की चीज़ है भाई यार ये तो। इसने पता नहीं कितनी कोल्ड ड्रिंक पी के बिखेर रखे, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीती होगी, बियर पीती होगी जरूर, ये बिगड़ी हुई लड़की है। मैं बता इतनी इज्जत करता हूँ ग्रैनी तेरी, इन कोनों में छुप जाता हूँ मैं तेरे डर से। एक तू है कि मुझे कच्चा चबाने के लिए तैयार बैठी है बिल्कुल, दांत भी तो आ रही जैसी है यार इसके, लकड़ी काट सकती है अपने दांतों से। ये देखो ना कैन भी जितनी पड़ी है, इसने पीनी है चबाई है ये, इसका एल्यूमिनियम खाती होगी ये। हाथ पैर प्लास्टिक के बने हुए हैं, पर दांत लोहे के हैं इसके। भाग कर चलता हूँ यार, अब देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है तो। आजा मेरे मुंह पे लग, हाँ सब पता है मुझे। अबे गेम हैंग क्यों कर रहा है भाई ये? कर कुछ नहीं है निकला यार,
मैं ग्रैनी कुछ तो रखो कर, अब सॉरी जाओ आने वाली होगी, अब जल्दी से छुपूंगा सबसे पहले तो। ओ भाई देखा, अगर छुपता नहीं ना मेरा गेम बजा देती है भाई, बाथरूम से होकर जाना पड़ेगा लग रहा है, या तो पूरा पहरा दे रही है। पर वो सिक्का ले लेता हूँ यार, ये लो भाई ये। ओ तेरी, ओए कहाँ जीने पे खड़ी थी क्या मेरे इंतजार में, बताओ। पूरा हाइड एंड सीक खेल रही है भाई, मैं नहीं जा रहा जीने पे से, ना ना यहीं से चलते हैं भाई। चलो माइक्रोवेव में क्या है भाई, खाना तो गर्म कर देती मेरे लिए बुढ़िया, मुझे भूख लग रही है। ये क्या निकली, बस इसमें से भी बियर, वेंडिंग मशीन से ही बियर निकल लिया, मैं भी पी लेता हूँ भाई, कोई बात नहीं, तेरे घर में तेरे जैसे। आ जा हाँ, थोड़े सा भी सेटल मत होने दियो आदमी को, एक मिनट भी रुकना जाऊँ मैं कहीं, खुद ही कह रही है स्पीड रन कर बेटा। ठीक है जी, हम तो स्पीड रन करेंगे। इतना भागती है, इसके पैर नहीं दुखते होंगे यार। चलो हम तो आज ही कैद में आए हैं इसकी, देखो यार कुछ मिल जाए तो। हथौड़ा वथौड़ा कुछ नहीं मिल रहा यार, क्या चक्कर है, ड्रॉर्स चेक करता हूँ ये सारी, ना कुछ है कहीं, इंतजाम है क्या, ये क्या रखा है। ओहो ये वाला केला भी अकेला है, ठीक है भाई केले तो अकेले ही रहते हैं। कुछ नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है इसने हैमर, ऊपर भी देख लिया है नीचे भी देख लिया, इसमें देखता हूँ एक बार, सारे ड्रॉर्स चेक कर लिए यार, हैमर नहीं मिल रहा। बताओ ये क्या है, वो विंच में हैंडल मिल गया यार, चलो भाई अब मिल जाएगा हैमर पक्का, वहीं छुपा रखा होगा इसने, कुएं में छुपा के रखती है हैमर भी। अभी निकालता हूँ बेटा, रुक लग जा बेटे, अभी घुमाऊंगा इसको, घूम बराबर घूम भाई, हाथ से घुमाना पड़ता है इस बार तो, पिछली बार की तरह नहीं बटन प्रेस करते चले जाओ, पूरा गोल गोल घुमाना पड़ता है। क्या निकला है, अबे ठंड में कौन ये तरबूज कौन निकाल रहा है, ठंड में कौन से फल आ रहे हैं, गर्मियों का फल सर्दी में बताओ। पर चलो इसे काट के कुछ तो निकलेगा तुमसे, लो भाई गर्दन काटने वाली जगह पे ये काट दिया हमने तरबूज, ये निकल गई सेफ की, सेफ की में सेफ लगा, सेफ की में, अरे सेफ में सेफ की लगा देता हूँ यार, पूरी जुबान की ना ऐसी तैसी हो गई है, कहाँ इसका सेफ है, जंग लगी पड़ी है इसमें तो, देखो पूरा नाच गया खोल लें भाई। मास्टर की मिल गई, बहुत बढ़िया। भाई यार ग्रैनी भाई ये नहीं जीने देगी, ना ना ना, इसने तो मुझे मारने की कसम खा रखी है। वे ग्रैनी बनाने दे यार, करने दे थोड़ा सा काम, निकलने दे। चलो भाई चल के लगा देता हूँ यार इसे मास्टर की को, निकलते हैं फरार होते हैं यहाँ से। वह लग क्यों नहीं रही भाई, ये नहीं लगेगी यार अभी, तब तक फट्टे नहीं हटेंगे, इसका काम नहीं है, इसको रख देता हूँ फिर यहीं पे। लो भाई भाई यार इन ट्रैप्स ने ना खून पी रखा है मेरा तो, बताओ मेरे पैर की हड्डी भी ना ऐसी हो गई, चूरमा बन गया उनका इनमें दब दब के। आ जा ग्रैनी, आती रहे ऐसे ही, कहाँ देखूँ यार, मेरी नज़र कमज़ोर है क्या, सारे ड्रॉस चेक कर लिए, भैंस की आँख हथौड़े का नहीं पता चल रहा यार, इस हथौड़े ने मेरे घोड़े लगवा दिए, ये तो उठ गया भाई। ओ भाई सरप्राइज हो गया इस बार तो ग्रैनी के लिए, उसके सामने से निकल गया, कुछ नहीं कर पाई ग्रैनी, कैसे गुब्बारे से फुला रही है ये भाई, नाक में ना इसके, जैसे बच्चे नाक से गुब्बारे नहीं फुलाते ऐसी फुलाती है, पड़ 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 की आवाज़ आती रहती है, ढक 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 दिल से धड़का देती है भाई पूरा। भाई टायर की ज़रूरत नहीं है इस बार, कार से स्केप नहीं करना, मेन गेट से स्केप करना, तो भाई वही चीज़ लेंगे ना जो काम की है, हथौड़े वथौड़े कहीं दिख नहीं रहे, हथौड़े वथौड़े बेटी के ऊपर चल के देख लेता हूँ, पलंग के नीचे भी नहीं है भाई, कहाँ रख रखे हैं, थोड़ा पास से देखूँ, इसके नीचे तो नहीं है, सब जगह देखना पड़ रहा है यार, पता नहीं ये कहाँ हैमर कहाँ रख रखा है इसने, इसके नीचे देखूँ यार, यहाँ भी नहीं है, हथौड़ा कहाँ रख दिया बुढ़िया। अरे यार, अरे जवान कह दूंगा, क्यों गुस्सा कर रही है। ओ भाई ट्रैप, बच गया भाई, बिल्कुल जस्ट पीछे है ग्रैनी यार, अगर पैर फंस जाता ना आपकी बार, मैं सही बता रहा हूँ, गुद्दी ऐसी पकड़ती मेरी पीछे से, मेरे झूतरे से पाड़ देती पीछे से, ये अभी बच गया भाई। ट्रैप इतनी क्रूशल जगहों पे ट्रैप लगा रखा है ना, सब मालूम है से बंदा कहाँ फंसेगा, बहुत स्मार्ट ग्रैनी है यार। यहाँ तो कुछ नहीं था यार, इस वाले बेड के नीचे तो नहीं है कहीं यार, यहाँ भी नहीं दिख रहा, कहाँ गया है हैमर यार, ये तो बिल्कुल पीछे ही नहीं छोड़ रही, और हैमर मिल नहीं रहा। ग्रैनी मान जा तू, बदतमीजी मत कर ज़्यादा, मैं तमीज़ से पेश आ रहा हूँ ना। फिर से ऊपर चल के देखता हूँ यार, कुछ मिल जाए तो, कहीं तो, कहीं तो रखा होगा, गैराज में होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए यार, एक बार दोबारा से उसी रूम में चेक करता हूँ। ओहो ये नहीं करने देगी आज कुछ भी, स्पीड रन के नाम पे मेरी गेम बजाने को तैयार बैठी है बिल्कुल। अरे जाके कोई फिल्म देख ले, जाके मेरी वीडियो देख ले, कीड़ा कीड़ा पे। ओ भाई गलत टाइम पे, ओह आ गई बच गई। ओह भाई इस बार ना मामला बहुत गर्म, अब ये तो खुला हुआ था, मैंने उल्टा बंद कर दिया। अबे यार ये तो गड़बड़ हो गई, फिर से घूम के आना पड़ेगा। ग्रैनी आ जाओ, जरा आओ, अपना कर्तव्य निभाओ, मैं जरा घूम के आता हूँ। एक ही बटन है भाई इसमें तो, यार मैंने वो पहले ही खोल रखा था गलती से, लेकिन मैंने बंद कर दिया, तो मैं फिर से खोलना पड़ेगा। खोल देते हैं यार, कोई बात नहीं, देखें क्या निकलता है। एक टायर है और एक शॉवेल है यार। आ गई आ गई भाई, शॉवेल को लेकर चलता हूँ, हो सकता है इसने बर्फ़ में दबा रखा हो हथौड़ा। कहाँ है भाई हथौड़ा, क्यों जला रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा
थोड़ा सा यार इसके जाने का वेट करता हूँ। चली गई है लग रहा है ग्रैनी, अब चल के खोद के देखता हूँ यार। मेरा बस चले ना ग्रैनी का पिछवाड़ा खोद दूँ इससे। ये क्या मैं बैटरी का क्या करूँगा यार, मुझे कार एस्केप नहीं करना भाई, मुझे हथौड़ा चाहिए। मैं दे दो हथौड़ा बहन। अरे बताओ यार शर्म नहीं आती इन्हें। अबे गेम वालों कहीं तो रखो, इतनी सारी ड्रॉस बनाई है, एक में हथौड़ा ही तो रखना था यार। इतना भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए, पाप लगता है भाई। बताओ यार सारी जगह चेक कर ली, कहीं नहीं मिल रहा यार, ये हथौड़ा नहीं मिल रहा, फट्टे हट जाए ना भाई। मास्टर की भी तैयार बैठी है, मास्टर की मिल गई, और इस मास्टर नी जो लगी हुई है मेरे पीछे इसने और हवा का उत्तरी ना छोड़ रही। तो बताओ इसकी खुद की जीभ इसके दांतों में फंसी हुई थी। तो भाई इस पत्थर से सबसे पहले सरिया तोड़ लेता हूँ। टड़ैंग, हाँ शाबाश, आ जा बेटा, अब दबाना पड़ेगा ये बटन। खुल जा सिम सिम, खुल गया भाई ये तो। लाइट लो और निकलो यहाँ से। तो चलो भाई फटाफट से निकलो और फिर से लग जाओ अपने ढूंढने में उस हथौड़े को। उस ग्रैनी एकदम से ना जाए यार पिछली बार की तरह। अब हो रही है बात ज़्यादा सीरियस, ग्रैनी हंसी मजाक नहीं चलेगा ये ना। ओह देखो भाई ये ना इस बार पूरे उसी मूड में एकदम से मेरे सामने आती है। इसने पूरी कसम खा रखी है कि जरा सा भी पता नहीं लगने देगी कहाँ पर, और फिर एकदम से मेरे सामने आ जाएगी। ये चाह रही है मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ, डेवे का तो चक्कर ही खत्म करो। देखो भाई सारा मामला सेट है, बस उस हथौड़े की कमी है, इसमें भी नहीं दिख रहा यार। भाई किसी चेयर वेयर पर नहीं पड़ा क्या? अब बताओ कुर्सी पर कोई, यहाँ पर नीचे भी नहीं है। बताओ आवाज़ इतनी गंदी गंदी आ रही है, हवा चल रही है बहुत बुरी ठंडी वाली। भाई कैसी कैसी पेंटिंग है, एलियन की पेंटिंग लगा रखी है इसने। इसके अंदर ही देख लूँ क्या, यहाँ भी कुछ नहीं है भाई। चलो यार यहाँ चलता हूँ, चलते हैं नीचे इस वाली ड्रॉर में चेक कर लेता हूँ। अबे ये पड़ा, अबे ये तो ये रहा था। अबे मिल गया भाई, ये मैंने पहले ड्रॉर्स खोली थी तो पक्का ये यहीं गिर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। बताओ यार पूरा घर छान लिया मैंने, हम मिलाए। चलो भाई अब तो बस फाइनल काम रह गया यार, इसको चल के फट्टे हटाने और मास्टर की से खोल के अपन निकल जाएंगे। सबसे पहले चल के फट्टे हटा देता हूँ यार। हट जा बेटा, पहला फट्टा हटा दिया भाई, वह हट। ये लो भाई दूसरा भी हटा दिया भाई। चलो भाई भाग कर चलते हैं, मास्टर की लेकर आते हैं और फिर अपना फरार। मास्टर की भी मिल गई भाई, चलो यहीं की ही रखिए और बस इसको गेट में लगाएंगे और भाई अपन हो जाएंगे फरार। ग्रैनी स्पीड रन कंप्लीट होने वाला है। ए ग्रैनू, टॉमू, चुच्चू, आ गई आ गई। चलो भाई फटाफट से इसको चल के लगा देता हूँ यार, निकलता हूँ फिर यहाँ से। और ये लगा दिया भाई, हो गया भाई हो गया, ये खड़ी रह गई। अरे दोनों हाथ लटका के दी एंड। हे फेलो गेमर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अरे मेरा सूप कहाँ गया यार, ग्रैनी के मुंह पे मारना है।